रमजान का महीना अब हम सबको अलविदा कहकर जा रहा है, मगर इफ्तार पार्टियों का सिलसिला तो अभी भी जारी है। महानगर कोलकाता के हर बड़े छोटे इलाकों में कहीं ना कहीं इफ्तार पार्टी तो हो ही रही है। इसी बीच आपको बता दें कि पार्क सर्कस इलाके में सूर्यवर्दी एशियन बॉयज़ स्पोर्टिंग क्लब की ओर से एक शानदार इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें समाज के बहुत से सामाजिक कार्यकर्ताएँ भी शामिल हुए। 60 नंबर वार्ड के कौंसिलर कैसर जमील, टीएमसी के नेता रविंद्रनाथ दास, मुराद महमूद, मोहम्मद अकरम के साथ साथ और भी काफ़ी सारे लोग वहां मौजूद थे। 60 नंबर वार्ड के कौंसिलर कैसर जमील ने इस मौके पर सूर्यवर्दी एशियन बॉयज़ स्पोर्टिंग क्लब और उनके टीम मेंबर्स की दिल खोल के तारीफ भी की और उनके कामों की सराहना की। इस स्पोर्टिंग क्लब के द्वारा हर साल बहुत से सामाजिक कार्य भी होते हैं, बिना किसी के डोनेशन लिए ये सारे काम खुद ही करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इफ्तार पार्टी बहुत शानदार इफ्तार पार्टी किया एशियन बॉयज़, हमेशा हर साल के, इस साल में भी किया गया, तमाम लोग आए और इधर उधर से भी लोग आए। बहुत अच्छा, हर आइटम बहुत अच्छा था, हर चीज़ खास तौर पर शरबत और फिरनी, ये सब हम लोग यहाँ पर बैठ के किया। 100% ये सिर्फ इफ्तार पार्टी नहीं बल्कि जितना भी बहुत बड़ा प्रोग्राम ये होता है आपका, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस दिन मुबारक दिन, जो दिन उनको पैदाइश वफात के दिन, ये भी यहाँ प्रोग्राम होता है, हम लोग आते हैं और बहुत सा इसमें हमारे एमएलए साहब भी आए थे, बहुत अच्छा हुआ प्रोग्राम। मैं एशियन बॉयज़ स्पोर्टिंग क्लब के तमाम अराकीन को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इतनी मेहनत करके एक शानदार इफ्तार पार्टी किया, उसके लिए तहे दिल से मुबारकबाद। और जिस तरह के आज पूरे हिंदुस्तान में हालात हैं, आपसी में भाईचारगी पैदा करने के लिए मग़रिबी बंगाल में जो भाईचारगी हमेशा से रहा है उसे कायम रखने के लिए इफ्तार पार्टी के द्वारा हर मज़हब के लोग इफ्तार में शामिल होकर ये पैगाम दे रहे हैं कि मग़रिबी बंगाल में कम्युनल फोर्सेस का कोई जगह नहीं, यहाँ पे अमन सुकून और आपस की भाईचारगी का पैगाम ही लोगों के बीच में था, है और रहेगा। बंगाल का कोने कोन कोन में जहाँ जहाँ इफ्तार पार्टी हो रहा है, लेकिन एशियन बॉयज़ क्लब में आज से नहीं हो रहा, बहुत दिन से हो रहा है। अभी बहुत आदमी दिखावट के लिए भी करता है, लेकिन ये लोग जब इफ्तार पार्टी जब सबसे कम होता था उस टाइम से लोग इफ्तार पार्टी करता है। और इफ्तार पार्टी एक अच्छा चीज़ होता है क्या, हर आदमी को एक साथ सारा दिन रोज़ा रखने के बाद रोज़ा लोग को एक साथ लेके करना और दूसरे कौम के आदमी को भी उसके साथ में लेना, ये दोनों का ये तो बंगाल का कल्चर ही है। ये बंगाल का कल्चर भी भारत से चल गया है, बंगाल रख दिया है, बंगाल में रहेगा। बॉयज़ क्लब बहुत अच्छा काम करता है एरिया में, आप लोग को सबके पास लोग सोशल काम करता है, आदमी का कभी रात बिरात में हेल्प दरकार रहेगा तो वो लोग आ जाता है, पुलिस का साथ लोग का कोऑपरेशन करके एक 7 पॉइंट जैसा मोड़ में कोई खराब काम नहीं होए। और पुलिस 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 को तो सब आगे से खबर नहीं मिलता है, वो लोग पुलिस को जानकारी देके बता देता है जो कुछ खराब हो सकता है, वो लोग पुलिस का साथ हाथ मिला के, प्रशासन का साथ हाथ मिला के बहुत अच्छा काम करते हैं। हम लोग तो आज से नहीं, तकरीबन 20 साल से ऐसा अवतार पार्टी को तरजीह देते हैं। अवतार पार्टी एक अच्छा काम भी है, एक दूसरे को मिलाता भी है और हर धर्म के लोग आते हैं यहाँ, जैसे रोबीदा लालूदा, इन लोगों को भी इनवाइट करते हैं हम लोग, और भी बहुत सारे लोग हैं जो अवतार पार्टी में आते हैं। और अवतार पार्टी का मकसद ये होता है कि एक फेस्टिवल की तरह हम लोग उसको साथ में मिलजुल के हम लोग सोचते हैं कि चलो एक जगह मिल के हम लोग साथ में अवतार पार्टी करें, इससे भाईचारा बढ़ता है, मोहब्बत बढ़ता है। और एशियन बॉयज़ क्लब से हम लोग आज से नहीं, कम से कम 2500 साल से जुड़े हैं, और जब से जुड़े हैं ये चीज़ छोटा छोटा चीज़ जो है ना, ये चीज़ हम लोग हमेशा करते आए हैं, सोशल काम करते आए हैं। नहीं, ये तो सब आम आदमी के लिए भी है। देखिए 400 से 500 आदमी का इंतजाम है माशाल्लाह से, इसके बाद भी इतने लोग आए कि हम लोगों को उन लोगों को चेयर देना पड़ा, या तो फिर घट गया तो फिर खड़ा करा के उन लोगों को अवतार कराना पड़ा। हम लोग जितना बड़ा पंडाल बनाए उस पंडाल से भी बाहर लोग चले गए माशाल्लाह से, क्लब भर गया है, वो अलग क्लब भर गया है, पंडाल इतना बड़ा माशाल्लाह वो भर गया, लोग बाहर में बैठ के अवतारी कर रहे हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे समझ जाइए किसी को रोक नहीं है कि ये अवतार पार्टी दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए या नेता लोग के लिए, ऐसा कोई बात नहीं, सभी लोग के लिए है। हम लोग गरीब लोग भी हैं यहाँ पे, जो लोग रास्ते के राही है वो लोग भी कर सकते हैं, किए हैं अवतारी, इसमें कोई रोक ठोक नहीं है कि सिर्फ जिनको इन्वाइट किए हैं वही लोग आए, इस सब के लिए है, आम दावत है हम लोग की तरफ से। हम लोग बोलना तो नहीं चाहिए क्योंकि हमारे हुजूर का कहना है दना से दें बायत को पता ना चले, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब काम हम लोग क्लब से हो रहा है। ठीक है, ये आप हैं, आपका मोहब्बत है, आप अवतार पार्टी में आ गए और ये आप इंटरव्यू ले रहे हैं, तो ऐसा हम लोग को कोई मकसद भी नहीं है कि हम लोग को शो ऑफ करना या हम लोग को दिखाना कि हम लोग यहाँ पे अवतार पार्टी कर रहे हैं। हम लोग का यहाँ से गरीबों को तकसीम भी हो रहा है, गरीब को कपड़ा भी जा रहा है, लुंगी भी तकसीम हो रहा है, अनाज भी दिया जा रहा है, तो मसले से जिसका जैसा हो रहा है। ये अवतार पार्टी देखिए कौन कैसा करता है, किसी को हम लोग तंकीद तो नहीं कर सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अवतार पार्टी हम लोग सब दोस्तों ने मिल के किया है और हमेशा मिल के ही करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अवतार पार्टी में वो लोग आते हैं रोज़ा रखे जो जायज़
खाना पसंद करते हैं। और हमारे यहाँ एशियन क्लब में एक बंदा है जो मतलब झाड़ू पोछा का पूरा काम करता है, उसको हम लोग महीना देते हैं 1000 रुपये, ठीक है। वो बंदा वो 1000 रुपये नहीं लेके वो खुद का पैसा से खजूर ला के दिया है कि मेरा पैसा जायज़ पैसा से खजूर ला के दिया जाए। तो हम लोगों का जायज़ पैसा मेहनताना पैसा से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ होता है, खास के ये इफ्तार पार्टी, क्योंकि हम लोग जानते हैं खुद भी रोज़ा होते हैं कि हम लोग को रोज़ा रख के और किस तरीके से हम लोग को रोज़ा खोलना चाहिए, कौन सा पैसे से रोज़ा खोलना चाहिए, इस चीज़ को हम लोग बहुत तरजीह देते हैं। ईद का बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, ईद मुबारक, पूरे बंगाल को, पूरे हिंदुस्तान को, हम एशियन बॉयज़ और हमारे मोहल्लों वालों की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से ईद मुबारक। और इफ्तार पार्टी में सबसे ज़्यादा मतलब कंट्रीब्यूशन रहता है नसीम का, ठीक है, और ये बेचारा हम लोग को इकट्ठा करता है, हम लोग को तो ऐसे बिजी होते हैं।